तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय। ये क्या बात है, मतलब बीच में क्यों आ गई यार? पता नहीं, आज लेंस बहुत हिल रहे हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो पुनीत व्लॉग्स और कशिश मैम के साथ। कैसी मैम? गाइस जा रही है आज शादी में बिना बुलाए। अच्छा, मुझे बुलाया? बिन बुलाए जा रही है, बिन बुलाए बराती है। नो भाई, आई एम इनवाइटेड। कार्ड दिखा। कार्ड दिखा। कार्ड गाइस कार्ड नहीं है गाइस। तो ये लोग जा रहे हैं अभी कहीं पे और इनको छोड़ने वैसे मैं ही जाऊंगा, तो टेंशन मत ले गाइस। गुन्नू सुंदर लग रही है आज यार, पता नहीं क्यों कोल्ड नहीं जाता यार। कोल्ड तेरा जाएगा तब तुम नाक खाई। क्या मुझे क्यों नहीं जा रहा है? तो गाइस हमने बाहर से बुलाई है मेकअप आर्टिस्ट, आज सब तैयार हो गए। आंटी नहीं हुई तो आंटी को छोड़ जाएगी आज। आंटी मुझे बोल रही है, आंटी को तू आंटी मानती है अपने आप को? फिर क्योंकि मम्मी तो तैयार होने लग रही है ना। नहीं नहीं तो नहीं, पिछली बार क्या हुआ था, गुन्नू तैयार हो रही थी उसको छोड़ गए थे, तो आज आंटी को छोड़ जाए। आज आंटी को छोड़ जाए क्या? तू गुन्नू, तू कुछ कहिए सुन गुन्नू, तू गुन्नू तू कुछ कहना चाहिए? आज तू सबसे पहले तैयार हो गई, आज तो सबसे पहले तैयार होगी, कुछ कहना चाहेगी? अब थोड़ी वो खुले हो गए, अब तो बड़े बड़े ताले लग गए होंगे। बड़े बड़े ताले निकलवा लूं ऊपर था। अब तो बड़े बड़े लोगों के मुंह पे ताले होंगे। मेरे सूट में गुन्नू कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। मैंने अपने ब्लॉग में भी बता दिया कि तूने मुझे सूट दिया ना, जगह खरीद के दियो। ये भी अगली का 2000 रुपए का सूट है, अपने पहनने से पहले उसने मुझे दे दिया। बड़ी बहन ऐसे ही होती है, तुम कल को इसके साथ धोखा करना। लेकिन इसको 2000 रुपया कुछ दिलाना पड़ेगा इसको, तब ये वाली बात ठंडी होगी। गाइस मैं आता नानी के घर, कुत्ता आ गया, तो मुझे लगा कुत्ता आ गया। तो नानी गेट नहीं, पहले उधर कर दे, तू भी उधर करवा रहा बार बार, तो पीछे हो जाना तू थोड़ा तो। माँ चल आपका नाम बोल रहे कहाँ से? तो अभी नानी को पता ही नहीं मैं आया हूँ। कौन है पता है? गाइस अभी नानी को नहीं पता कौन है। जीतू, ओ जीतू कौन है? इन्हीं तो अंदर तो आ भाई आओ ची ना। तो गाइस अंटी वंटी आ गई है, अंटी वंटी अंटी वंटी वंटी होती है भाई। तो गाइस ये कुछ कहना चाह रहे थे, अब बताओ जो कह रहे थे। हम कह रहे थे कि ठंड बहुत लग रही है और भाई खाना बहुत फर्स्ट क्लास था और खाना खा के है भाई, बस पुनीत के लिए अंडे लिए खा नहीं रहा, मन कर रहा है बस जाके सो जाए। और क्या कह रहे थे? पुनीत चाय पिला दे। हाँ पुनीत कब से चाय नहीं बनाई। और कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ नहीं, वही कह दी वहाँ दिल की बात बात हो, कोई बात नहीं है बहुत ज्यादा, और क्या कहेंगे। जल्दी हम गए, जाते हमने नाश्ता करा, उसके बाद हमने खाना खाया, दो तीन बार कॉफी पी। मम्मी और आंटी तो बातें ही कर रहे जा रहे थे गाइस। खाना कितनी बारी खाया? दो तीन बारी नहीं, एक ही बार नाश्ता किया था। नाश्ता का टाइम था, मम्मी को स्नैक्स, ब्रेकफास्ट का टाइम होगा ना, स्नैक्स खाए थे। हाँ वो स्नैक्स खाए थे गाइस, वो होते हैं आलू वाले फिंगर, वो हमें मिले नहीं है प्लीज। मिले ही नहीं। हाँ हमें मिली, मतलब हम बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, 9 बजे के समथिंग हम गए थे। ऐसा ना, सगाई वाले जल्दी आते हैं ना, तो हम लेट थे, तो हमने वो नहीं खाया। 9 बजे करीब पहुंचे थे आप लोग। हाँ हमने जाते ही खा ली भाई चौमिन, गुन्नू ने खाई टट्टी, मतलब सॉरी टिक्की और चीला। चीला तो मैंने नहीं खाया, चीला हो गया चटनी में गीला। हाँ और मैं लाई 2 गोलगप्पे गुन्नू के लिए, फिर उसके बाद हमने भाई खाने पे सीधा टूट पड़े गुन्नू। और अभी भी खाई नहीं आने के बाद। मैंने वहाँ पे खाना नहीं खाया गाइस, खाना नहीं खाया, इतने से चावल लाया था वो विशु क्यों डाल के, और बिल्कुल इसने 2 चम्मच खा के रख दिया, खाया नहीं, तो खुद ही डाल लाते खाना मेरे से। वो गाइस मेरा पेट मतलब भरा हुआ था, इतना क्राउड था ना पूरी, मेरा मतलब पेट भरा हुआ था ना, तो इसलिए मैं गई नहीं। फिर मैंने आइसक्रीम वगैरह खानी थी वो पापा से मंगा ली, और फिर चौमिन वोमिन खानी थी वो कॉफी नहीं भी, कॉफी पापा ने ला के दे दी थी गाइस, तो फिर मैं कोई कहीं पे भी खुद गई नहीं, सबने मुझे खाना ला के दे दिया, मैंने चुपचाप खा लिया, पर खाने के लिए मेरा पेट भरा हुआ था। चलो गाइस घर पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं निशी से भी। गाइस सब लोग आ गए घर, और ये देखो नूनू, चले बोल मामा बुलाओ, सोचो देखो पीछे पीछे पीछे
हमारी दादी के इंटर के पास बैठे हैं जो कि बहुत पुराना है गाइस, बहुत गर्म है ये, तो हम यहाँ बैठे तो पुनीत के कपड़े निकाल दिए, ये अभी चेंज करेगा, नोना को झूले झूला रहे हैं। पीछे 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 पहले पीछे, हाँ ऐसे काम है, तो आगे बताओ, पहला काम है मुंह बंद रखना पीछे, वो पुनीत कैसे लटक रही है पागल, पीछे बैठे जी, नहीं फिर बंद कर दूंगा झूला, काम को मत फोड़। सो गाइस ये देखें मॉर्निंग रूटीन है जो कि डॉगीज को बिस्किट खिलाने का, कल काउज मिल गई थी तो ओए वाओ लेट कर रखे हैं गाइस, कल ब्रेड मिल गए थे तो ब्रेड पूरी कैसे मत दो, ब्रेड तो गाय को खिलाई थी हमने, और छोटे छोटे पिल्लू भी हैं यहाँ पे, कल हमें काउ मिल गई थी तो हमने ब्रेड खिला दिया था, आज डॉगीज मिल गए तो बिस्किट खिला दिए, ये देख ये वाले नहीं कैच कर पा रहे, वाला कर लेना वो रहा पीछे, ऐसे मत दो ना पुनीत, फिर ये वाला कैच कर लेता है, ये रे गए इतने सारे डॉगीज यहाँ पे, प्रेरणा तो गाइस नोना सबकी पट्टी कर रही है, इससे बड़ा तो इसका डंडा ही है, सिधाओ मारना भी हंस रही है नोना, निशी मार रही है निशी मार रही है मारी है निशी मार रही है ये मार रही है मार ये भी मार रहा है नोना, गुन्नू माई है, गुन्नू तुझे तो सबने ही मार दिया होगा, गुन्नू मार रही है, गुन्नू को मार कर पहले जा, बॉल चाहिए उसको, पहले इसकी बॉल खो गई, बॉल उठा के लाएगी गुन्नू, गुन्नू के मार, ए मार खेस के मार, ए मार 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 निशी के मार दे, निशी के कहाँ है मम्मा, चलवाऊंगा कभी गुस्सा कर रही है, दोनों संपत्ति इंटी को छोड़ दे, ये अजूदा पहना उसको भाई। तो गाइस यहाँ गुन्नू ने सारे कंबलों की ते बनाई है, और बेचारी घर में सोने वाले तीन लोग हैं, कंबल का अंदाजा लगा लो, मींस आज पुनीत भी रुका था तो एक उसका लगा लो, प्रेरणा है अभी तो उसका लगा लो, और अगर ये लोग नहीं होते ना तो भी इतने ही कंबल खुलते हैं, सबके नीचे पिसते हैं, सबके सरों के नीचे लगते हैं, क्योंकि तकिए भी इनफैक्ट ठंडे लगते हैं, फिर और कंबल भी इतने सारे लेते हैं, और कोई मानेगा नहीं कि तीन घरों तीन लोगों के कंबल है बस। गाइस सुबह सुबह उठ के बहुत मेहनत करती है, और वैसे गाइस एक सच्चाई की बात बता दूं, कंबल तय इसी ने बनाई, पुनीत ने मेरी हेल्प करी है फोल्ड कराने में, तो इसमें कुछ बोला मैंने और वो भी ठीक है, जब तू होता तभी हेल्प कराता, जब नहीं होता तो तू नहीं करता ना, तू नहीं करता ना, तब कहते चल लूंगा तब मैं होता ही नहीं हूँ, बर्थडे आ रहा मेरा तू थोड़े तरीके से रह ले, गिफ्ट नहीं दूंगी मैं, मत दियो ना, तेरे बर्थडे में आऊंगी मैं, मत दियो, एक जना कम रहेगा तो मजा आएगा, मेरे बिना तू बर्थडे मना लेगा नहीं चैलेंज मत कर मुझे, कहीं मैं बोलूं कि चैलेंज ही गया, मैं नहीं आ रही और तू बर्थडे सेलिब्रेट कर, सब लोग आ जाए और अगर मैं ना आऊंगा तो तू ये तेरी स्माइल है ना, चल ये तेरे बर्थडे में तेरे मुंह पे आ जाएगी, अच्छा चल शर्त रख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि मेरा बर्थडे और तू ना आए, ये नहीं हो तो मैं यही तो बोल रही हूँ, मैं नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि मैं अपना बर्थडे मना सकता हूँ, ऐसा नहीं होता तो मेरे बर्थडे में ना आए, मैं ये कह रही हूँ गाइस, पर ये जो इसके फेस की स्माइल है ना, अगर मैं ना जाऊँ उसके बर्थडे पर ये स्माइल आ जाए, इम्पॉसिबल, कोई भी बंदा आ जाए इसके आगे, इतना तो पुनीत मुझे जानती हो, ये तो झूठा पॉसिबल पॉसिबल कर रहा है ना, कोई फायदा नहीं, और ऐसा हो सकता है मेरा बर्थडे और तू ना आए, फिर कैसे भोंग रही है गंदे से मुंह से, दावत कहीं नहीं दूंगा, अपने घर बैठो, घर में बनवा दूंगा राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले चावल, मैं ही खाती हूँ तेरे राजमा चावल वाले, वो सब तेरे चिकन बन जाएगा, मटन बन जाएगा, आ तो उनके लिए चिकन मटन बन जाएगा, मैं अकेली शलाफत की चौमिन चिली पोटैटो राजमा चावल में मान जाती हूँ, और गाइस ब्रेकफास्ट बन रहा है पराठे, सुबह सुबह वो खाएंगे, आ जाओ।
तो गाइस अब चलते हैं घर और आज कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं और गुन्नू भी आ ही गई। तो गाइस इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। उस वाले ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।